तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली, ठीक है। और इस हैप्पी दीपावली के अवसर पे हमने सबसे पहले एक नए चैप्टर की शुरुआत की है, समांतर थ्रेड के बारे में, ठीक है। वीडियो रात है, रात को ही शूटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज़ भरी भरी है, समझिएगा। समांतर श्रेणी क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली बात, किसको किसको पढ़ना होता है। अगर आप 11th में हैं तब भी पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल में भी है तब भी पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में है तब भी पढ़ सकते हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि समानांतर श्रेणी में डायरेक्टली देखिए, अगर ट्रिक लिखवा देते हैं लोग कि एन सम संख्याओं का योगफल, एक से एन तक एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो डायरेक्टली इसी फार्मूले से आता है, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, सबसे पहली बात, समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। इसको शॉर्टकट में कैसे दिखाते हैं, एपी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एपी से। हमने बोला समांतर श्रेणी को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्टकट में एपी से दिखाते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अनुक्रम एक उस अब समांतर श्रेणी है भैया, तो कहीं ना कहीं किसी टर्म से तो निकल के ही आया होगा ना। तो देखिएगा, ये जो समांतर श्रेणी है ये दो शब्द यानी किससे निकल के आया, अनुक्रम से। अब अनुक्रम का मतलब भी देखिएगा, अनुक्रम तीन प्रकार का होता है। एक होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। और एक होता है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी एपी से, इसको जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जीपी, और इसको कैसे दिखाते हैं, एचपी से। इसे दिखाते हैं एचपी से, समझिए। तो हमने बोला कि अनुक्रम एक टर्म होता है, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है समानांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी, और एक होता है हरात्मक श्रेणी, ठीक है। हम अभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हम इसी में बताएंगे कि श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या होता है। लोग सीरीज और प्रोग्रेशन में अंतर नहीं बताते हैं, बोलते हैं सेम होता है, बहुत सारा अंतर होता है, ठीक है ना। बैठे एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। सबसे पहली बात कि अनुक्रम किसे कहेंगे, भाई इतना टर्म अगर तीन छोटे टर्म से निकल के आ रहा है तो अनुक्रम का कुछ ना कुछ परिभाषा होगा ना। तो देखिए, अनुक्रम का मतलब होता है ना, अनु का मतलब कि अनुसार, और क्रम का मतलब कि क्रम के अनुसार, यानी किसी भी संख्या किसी भी चीज को अगर क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए तो क्या बना रहता है, अनुक्रम। जैसे आप लोग क्लास व्लास में पढ़ते हैं, लड़कियों को अलग बैठाते हैं, लड़कों को अलग बैठाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे एक तो क्या बन जाता है, क्रम बन जाता है। ब्रेंच का भी क्रम होता है, मान लीजिए कि ब्रेंच बैठते हैं तो ब्रेंच को एक वेजेंटर लगता है ना, कि ऐसे 10 ब्रेंच लगाते हैं, ऐसे 5 ब्रेंच लगते हैं। तो किसी भी चीज को गांवों में आप लोग जानवरों में बांधते हैं तो उनका भी क्रम होता है, कि भाई बछिया यहाँ पे बनाएगी, बछवा यहाँ पे बनाएगा, भैंसी यहाँ पे बनाएगी, गैया यहाँ पे बनाएगा। तो हर चीज का एक क्रम होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसी प्रकार अगर संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित कर दें तो क्या प्राप्त होता है, अनुक्रम। हमने बोला कि अगर संख्याओं को, और संख्याएं ढेर सारी हो, ठीक है ना, संख्याओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर या रखने पर, व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होता है, हमको अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अनुक्रम। हमने बोला कि अगर ढेर की लाइक संख्या है और उनको एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिए तो क्या प्राप्त हो जाता है, अनुक्रम। अब समझिएगा भाई, अनुक्रम से तो निकल के हमारा ये समांतर श्रेणी आया, ये गुणोत्तर श्रेणी भी आया, और ये क्या है, हरात्मक श्रेणी है। तो हमको सिर्फ अभी इस टॉपिक में किसके बारे में पढ़ना है, समांतर श्रेणी, समझिएगा। थोड़ा सा आगे की चर्चा कर दे रहे हैं, देखिए समांतर श्रेणी इसको कौन लोग पढ़ेंगे, 10th वाले लोग पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। इस गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी को कौन लोग पढ़ेंगे, 10th में 11th वाले, कौन से पढ़ते हैं, 11th। मैंने 11 को अगर पढ़ना होगा तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिप्लोमा वाले भी अगर पॉलिटेक्निक में भी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी पढ़ना है। हरात्मक श्रेणी के आपको कहीं नहीं पढ़ना है, पिछले पहले दिया था 2016-17 जो 15 से पहले दिया होता था तो वहाँ पे हरात्मक श्रेणी भी पढ़ाया जाता, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको दो को पढ़ना है, एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। तो सिर्फ हाई स्कूल में तो किसके बारे में पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में। छोटू सा टॉपिक है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, काम का है, समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, अब हम किसके बारे में जानते हैं, समांतर श्रेणी के बारे में। ये बताइए, ये अनुक्रम से निकले हैं, ये भी अनुक्रम से निकला है, ये भी और अनुक्रम से निकला है ये, हमको किसके बारे में जानना है, सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में, समांतर श्रेणी, ध्यान समझिएगा। तो भाई अगर अनुक्रम से निकल के आया है तो इसकी अगर परिभाषा देना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने किसी का भी फार्म भरते हैं तो वहां पे लिखते हैं ना कि सन ऑफ फलाना, सन ऑफ फलाना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, भाई जिससे हम जिससे हम जी हमारे पिता हैं उनका पहले नाम लिखते हैं।
तो ये बोलिएगा अनुक्रम का ये लड़का हुआ कि नहीं, इसी से निकल के आया ना। तो अगर लड़का हुआ तो हम किसका अगर समांतर श्रेणी का डिफिनेशन देंगे तो बोलिएगा हम क्या करेंगे भाई, इनके साथ जोड़ के बोलेंगे। तो देखिएगा एक क्या कैसे लिखेंगे, देखिए अब समांतर श्रेणी को अगर तोड़ा जाए तो देखिएगा समान अंतर, समान और प्लस क्या हो जाएगा अंतर, यानी समान अंतर। अब ध्यान से समझिएगा इसका मतलब कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा कि ऐसा अनुक्रम, सबसे पहले अनुक्रम से निकला है तो ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें जिसके चाहे जिसके लिखते जिसके दो क्रमागत पदों का, दो क्रमागत पदों का, पदों का अंतर क्या हो समान हो, अंतर क्या हो समान हो। हमने बोला कि अगर दो को पद है दो को टर्म है, अब वो उनका अंतर समान हो जाए हर जगह तो किसमें बन जाता है समांतर श्रेणी में बन जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि एग्जांपल थोड़ा समझिएगा, हम जैसे एग्जांपल लिख देंगे 5, 10, 15, 20, 25 देखिए सबसे पहले ढेर की लाइक संख्या है, इनको एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। अब उनका वो क्रम क्या है कि भाई देखिएगा अगर हम 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 25 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। देखिए तो आपको दिख रहा है कि अब जब यहाँ पे घटाने का मतलब कि अंतर ही निकाल है ना, अंतर हर जगह क्या आ रहा है समान आ रहा है, तो किसमें हो जाएगी समांतर। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 7 हो गया, 9, 11, 13, 15, 17 बोलिए 9 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 13 में से 11 घटाएंगे 2, 15 में से 13 घटाएंगे 2, 17 में से 15 घटाएंगे 2। तो देखिए यहाँ पे भी अंतर क्या है हर जगह समान है, इसका मतलब कि ऐसा अनुक्रम जिसमें दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो क्या हो जाए समान हो जाए क्या कहलाता है समानांतर श्रेणी, क्या कहलाता है समांतर श्रेणी। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम मिटा रहे हैं, ठीक है समझिएगा। अब हमने बोला कि भाई अनुक्रम था, अनुक्रम के बाद समानांतर श्रेणी मिला, और समानांतर श्रेणी के बाद हमको एक टर्म आ रहा है समान अंतर। हमने बोला था कि ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए समान। इसका मतलब कि जो समान अंतर आता है ना तो दुनिया वाले इसका नाम दे देंगे भाई, जो भी कुछ कामन दिखता है दुनिया वाले कुछ ना कुछ नामकरण रख देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों में कुछ अगर कामन दिखते हैं जैसे मान लीजिए कि ज्यादा फिजिक्स जानता है तो बोल देते हैं न्यूटन है, ज्यादा मैथ जानता है आर्यभट्टवा है बोलते हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार क्या है इसमें भी कुछ कामन है तो कामन होगा तो दुनिया वाले इसका नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब समान अंतर था तो इसको दुनिया वाले क्या नाम दे दिए सार्व अंतर, क्या दे दिए सार्व अंतर। अब दुनिया वाले दो प्रकार के, एगो है यूपी बोर्ड वाले एगो है सीबीएसई बोर्ड वाले, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा यूपी बोर्ड वाले ने कहा कि अगर समान अंतर आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे सार्व अंतर कहेंगे, ठीक है। तब तक सीबीएसई वाले कहां चैन से बैठेंगे, सीबीएसई वाले कहेंगे वो बात देखिए अब आप खले कौन बोल दिया यूपी बोर्ड वाले, ठीक है। सीबीएसई वाले कहे कि आप अगर सर्वांतर कहते हैं तो हम इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे और उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ध्यान समझिएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले ने कहा कि हम अगर समान अंतर जहां पे दिखाई देगा उसको सर्वांतर बोलेंगे, और सीबीएसई वाले कहे कि आप बोलेंगे सर्वांतर तो हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तब तक यही में से दोनों में से कोनो उभयनिष्ठ आ गया जो अपवाद होता है, वो कहा कि वो तुम हेमेचक हेकरा में फंसल रहे तुम हेगरा में फंसल रहो, हम एगो नाम दे देंगे और सिर्फ लिख देंगे डी, और इस डी का मतलब होता है डिफरेंस, इस डी का मतलब क्या होता है डिफरेंस। कहा कि तुम लोग कुछ भी कहो हम डी से प्रदर्शित करेंगे, यानी यूपी बोर्ड वाले सर्वांतर कहो सीबीएसई वाले कॉमन डिफरेंस कहो, हम इसको कैसे बोलेंगे डी से बोलेंगे, और इस डी को ही बोला गया भाई जब अब ये दोनों में मिल रहा है दोनों चीज में उभयनिष्ठ है तो दोनों लोग इसको मानेंगे कहेंगे हाँ भाई तू ही ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब कि अब जहां पे भी सर्वांतर की बात आएगी तो उसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा डी से, जहां पे भी कॉमन डिफरेंस की बात आएगी तो किससे प्रदर्शित किया जाएगा डी से। तो एक चीज समझ में आया कि अगर सर्वांतर अनुक्रम में अगर हर जगह समांतर समान है तो उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कैपिटल डी से भी प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत सुनिए। अब अगर सर्वांतर का मान निकालना चाहें हम तो देखिएगा डी इज इक्वल टू हम कैसे घटा रहे थे जैसे हमने लिया था 5, 10, 15, 20 ऐसे डैश डैश, तो हम इस अगले पद में से पिछले पद को घटा रहे थे ना, ठीक है ना। ऐसे ही 15 में से किसको घटा रहे थे 10, 20 में से किसको घटा रहे थे 5, 15 को, ठीक है, अगले पद में से पिछले पद को घटा रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम सर्वांतर का मान लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं अगला पद और माइनस क्या हो जाएगा पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला
यानी कह सकते हैं कि अगर समांतर श्रेणी किस रूप में हो, जैसे मान लीजिए पदों के रूप में हो, T1 पहला पद T1 हो, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4, पांचवा पद T5 डैश डैश डैश, तो बोलिएगा सर्वांतर का मान क्या होगा। हम इसमें से T2 में से T1 को घटाएंगे ना, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, ऐसा ही क्या हो जाएगा आपका T4 माइनस T3, अरे उसमें डैश डैश डैश, यानी अगर सर्वांतर का मान हमको कहीं भी निकालना होगा तो अगले पद में से पिछले पद को क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, अब एक बात बताइएगा, जो श्रेणी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला T1, तो कहीं से ना कहीं से कोई भी क्रम स्टार्ट होगा ना, तो जहां से जिस टर्म से स्टार्ट होता है कोई भी श्रेणी उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। अंग्रेजी सीबीएसई वाले लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद को कैसे दिखाते हैं, प्रथम पद को ए से, और सर्वांतर को कैसे दिखाते हैं, डी से। अभी तक कहानी हमने कुछ भी नहीं बताया, हमने सिर्फ इतना बताया कि अनुक्रम क्या कहलाता है। किसी भी ढेर की लायक संख्या उठा के कोनो क्रम में पटक दीजिए, अनुक्रम बनेगा। अगर उपक्रम में अगर समान अंतर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वांतर, यानी समांतर श्रेणी। और जो समान अंतर आता है उसको दुनिया वाले ने सर्वांतर कहा, सीबीएसई वाले कॉमन डिफरेंस कहा, और जो कॉमन लोग हुए उसको क्या बोले, डी। और डी से ही मानिए, और डी से हम दिखाएंगे किसी भी अंतर को। ठीक है ना, उसके बाद हमने बोला कि सर्वांतर का मान कैसे निकालते हैं, तो अगले पद में से पिछले पद को घटा लेते हैं, यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इसे घटा लेंगे। ठीक, और जो पहला पद जहां से श्रेणी स्टार्ट होती है तो वो जो पहला पद कहलाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। यहां तक आपको कौन सा प्रूफ अच्छा लग रहा है, आगे बढ़े, समझिए समांतर श्रेणी मीटर। अब कुछ लोग देखिएगा, एक शब्द आप सुने होंगे श्रेणी अश्रेणी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं क्योंकि आज बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, सुनिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक होता है श्रेणी, ठीक है ना, इसका जो अंग्रेजी होता है प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन। ठीक है, और एगो होता है वो श्रेणी, श्रेणी इसका अंग्रेजी क्या होता है, सीरीज। ठीक है, अब इस बार सीबीएसई वाले फेल मार गए, ये श्रेणी हम लोग बोलते हैं, श्रेणी बोल के निकल लेते हैं, सीबीएसई वाले दो नाम रख दिए हैं, एक को प्रोग्रेशन रख दिए, एक सीरीज रख दिए, तो भाई सीबीएसई वालों को भी बात मानना पड़ेगा हम लोग को ना, तो ध्यान से समझिएगा। अब अंतर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए श्रेणी और ये क्या है, श्रेणी इसका प्रोग्रेशन है और इसका क्या है, सीरीज। तो जो श्रेणी होता है ना, ये किसी विशेष पैटर्न के लिए, किसके लिए, विशेष पैटर्न के लिए, पैटर्न का मतलब क्या होता है, नियम। जैसे एनसीईआरटी पैटर्न सुने कि नहीं सुने, एनसीईआरटी पैटर्न, तो पैटर्न का मतलब क्या होता है, नियम। यानी किसी विशेष नियम को अगर व्यक्त करने वाला हो श्रेणी, तो उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी। अभी हम समझाएंगे विशेष पैटर्न क्या होता है। जो श्रेणी होता है ये आप देखेंगे कहीं पे भी प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा होता है, किसके साथ, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। प्रोग्रेशन हो रहा है, हमने यहाँ पे समांतर श्रेणी लिखा है, डी नहीं ना लिखा है, डी लिखा है, मैंने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो विशेष पैटर्न का मतलब समझिएगा कि अगर एपी में अगर पूछे समांतर श्रेणी में, तो एक विशेष नियम क्या लग रहा है, समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन क्या है कि दो को क्रमागत पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एम ए को विशेष पैटर्न क्या है कि जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, अंतर क्या होगा, समान होगा। समझिएगा, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बोला जाता है ना कि अगर दो को क्रमागत पदों का गुणा समान हो या अनुपात समान हो तो वहां पे क्या बनता है, गुणोत्तर श्रेणी। इसका मतलब यहाँ पे क्या बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। और हरात्मक श्रेणी में क्या होता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि अगर तीन संख्याएं ए बी सी तीन संख्या हरात्मक श्रेणी में हो तो बीच वाली का उल्टा का दो गुना पहले और तीसरे के उल्टा के योगफल के बराबर होती है, एक बटा ए प्लस एक बटा सी। तो ध्यान से समझिए, देखिए हमने अनुक्रम तीन प्रकार का बताया, एक समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या हुआ कि अंतर समान है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या हुआ कि गुणोत्तर गुणा समान है या अनुपात समान है, और जो हरात्मक श्रेणी में हमने बोला कि तीन गो संख्या
ऋणात्मक श्रेणी में है तो बीच वाली के दोनों का उल्टा पहले और तीसरे के उल्टे के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब कि इन तीनों में अलग अलग नियम लग रहा है, एक विशेष पैटर्न लग रहा है। तो हमने बोला कि जहां पे विशेष पैटर्न की बात करेगा तो यह हर जगह क्या यूज करेंगे, श्रेणी। अरे बस हमने, लेकिन अगर जैसे लिख दिया कि 2 + 4 + 6 + 8 ये लिख दिया 5 + 7 + 10 + 11 + 15 + 17 ठीक है ना, तो समझिएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो समांतर श्रेणी में दिखाई दे रहा है। देखिए 7 में से 5 घटाएंगे 2, 10 में 7 घटाएंगे 3, 11 में से 10 घटाएंगे 1, यहाँ 15 में से 11 घटाएंगे 4। तो देखिए यहाँ पे अंतर समान आ रहा है, नहीं आ रहा ना, लेकिन इसका योगफल अगर निकालना होगा तो प्लस के रूप में लिखेंगे ना। तो अब वो किस नियम के आधार पर लिखा है हमको तो ये नहीं पता है, लेकिन बीच में क्या लिख दिया है, प्लस लिख दिया है। अगर जहां प्लस माइनस दिखाई दे दे तो आप क्या लिखेंगे, श्रेणी है, ठीक है ना, सीरीज है। तो हमको उम्मीद है कि समझ में आएगा। अगर कोई विशेष पैटर्न लग रहा है तो जब ढी लिखते हैं श्रेणी, ढी प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, और जहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह लगा वहां पे क्या लिखते हैं, श्रेणी लिखते हैं, सीरीज लिखते हैं। अच्छा लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा भाई, हमको एक आता है समांतर श्रेणी का एनोपर, क्या आता है समांतर श्रेणी का एनोपर, समझिए समांतर श्रेणी का एनोपर क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनवा पद, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसको कैसे दिखाते हैं, टी एन से दिखाते हैं, ठीक है ना, स्मॉल टी एन से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल टी एन से भी दिखा सकते हैं, समझिए। अगर समांतर श्रेणी का अगर हमको एनवा पद निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, समझिए। जैसे हम आपसे पूछे कि 7, 14, 21, 28, 35, 42, 10, 10, 10, ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि इसका तीसरा पद कितना है, तो आप ढाई गिनने लगे 1, 2, 3 कौन सा है, 21। हम पूछेंगे इसका पांचवा पद कितना है, तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कितना है, 35। हम पूछेंगे छठवा पद कितना है, तो गिनना स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसे पूछेंगे सातवा पद कितना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गुणा भाग करके सातवा पद निकालेंगे। हम पूछेंगे दसवा पद कितना है, तो थोड़ा सा तकलीफ आपको होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हम पूछेंगे बीसवा पद कितना है, तो ढेर तकलीफ हो जाएगी, कई बार ढाई दे लगेगा। हम पूछेंगे अभी तो बीसवा पद पूछ रहे हैं बाबू, इसका पचासवा पद ज्ञात कीजिए, तब तो आपको ढेर ढाई दे लग जाएगा, ठीक है। हम ऐसे ही पूछे कि इसका 150वां पद कितना है, तब तो आप कह देंगे कि भैया हमको रहने दीजिए, हम गुणा उड़ा आए हुए गया नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि वैसे आप हाथ बाएं बोल देंगे, देहात में क्या बोलते हैं कि बाएं बोल देना, बाएं बोल देना का मतलब कि नहीं आए, हाथ खड़ा कर लेंगे। तो समझिएगा इसका मतलब कि अगर ये हम श्रेणी पढ़ रहे हैं, वो विशेष नियम पढ़ रहे हैं इसमें, तो भाई एक हम ऐसे फार्मूले की खोज करें जिससे किसी भी समांतर श्रेणी में कोई भी पद पूछे, सिर्फ ढाई देना पुट करें और ढाई दे आंसर दें जिससे हमको तकलीफ ना हो, तो आप उस फार्मूले को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है ना। और समांतर श्रेणी के एनवा पद को कैसे दिखाते हैं, टीएन से। अब थोड़ा सा एक और कंसेप्ट समझिएगा, अगर हम प्रथम पद कितना मान ले, प्रथम फर्स्ट टर्म कितना दिखाते हैं, ए से, और सर्वांतर कैसे दिखाते हैं, अभी हमने बोला सर्वांतर वाले को दुनिया वाले बीच बीचाओ कैसे दिखाएं, डी से, ठीक है ना। अब बोलिएगा अगर प्रथम पद को ए से और सर्वांतर को डी से हम दिखाएं, तो अगर हम श्रेणी लिखना चाहें, देखिएगा ढी लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, श्रेणी यानी आपको प्रोग्रेशन की बात कर रहा है, विशेष पैटर्न। तो बोलिए कहां से स्टार्ट होता है, प्रथम पद से ए लिखते हैं, और उसके बाद पुनः इसमें किसको जोड़ते हैं, डी को, तो कितना मिलता है, ए प्लस डी। अगला इस पुनः डी को हमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस टू डी, और फिर डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस तीन डी, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो ए प्लस चार डी, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो ए प्लस पांच डी, और ऐसे ही डैश डैश डैश। तो दिक्कत हमने बोला प्रथम पद ए हो जाएगा, सर्वांतर डी हो जाएगा, प्रथम पद ए, अब अगर इसमें सर्वांतर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए प्लस डी, फिर हमें डी को जोड़ेंगे तो ए प्लस टू डी, फिर डी को जोड़ेंगे तो प्लस थ्री डी, फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस फोर डी, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब समझिए हम बोले कि भैया प्रथम पद कितना है, तो बता दीजिए थोड़ा सा, प्रथम पद कितना है, तो ए है, कितना है, ए। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, वन टी वन से दिखा सकते हैं, तो कितना हो गया, ए। हम बोले कि दूसरा पद कितना है, दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, टी टू से दिखा सकते हैं, हमें दूसरा पद देख के तो फट से लिखिए सकते हैं, कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। हम पूछे कि तीसरा पद कितना है, तीसरा पद, तो इसको कैसे दिखाएंगे, टी थ्री से, और टी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, हमें तीसरा का पद क्या दिख रहा है, टू डी, ठीक है। चौथा पद पूछे तो,
चौथा पद कितना हो जाएगा टी फोर से दिखा सकते हैं और वो कितना हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक, अब समझिएगा, आगे की तरफ नहीं चलते हैं, सुनिए। देखिए इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए प्लस वन माइनस वन इंटू में डी, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू में डी। अभी हम समझा रहे हैं ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं तीन माइनस वन इंटू में डी, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस चार माइनस वन इंटू में डी। समझिए भाई, हमने इसको वन माइनस अकेले तो ठीक है ठाक तक कहा है, इसको दुनिया भर का झंझट में डाले तो समझिएगा, इसमें से जब वन में से वन घटाएंगे आप तो वन में से वन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो में डी से गुणा कराएंगे तो जीरो डी को लेकर डूब जाएगा मतलब जीरो बना देगा, तो पूरा ये टर्म भी जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा ए, तो ए आ जाएगा पुनः। ठीक, अब अगला समझिएगा, फिर दो में से एक घटाएंगे तो कितना होगा एक, और एक इंटू डी करेंगे तो कितना आएगा डी, यानी ए प्लस डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगला ए प्लस टू डी को क्या लिख सकते हैं, दो है तो तीन में से घटा सकते हैं, फिर ये तीन है तो चार में से एक को घटा सकते हैं, ऐसे ही पांच होगा तो पांच में से एक को घटा सकते हैं, घटा सकते हैं कि नहीं समझिएगा। अब आप देख रहे हैं, देखिए ये हो जाए ए है, एक और नीचे हो ए है, एक और नीचे हो ए है, सब जगह ए ए आ रहा है। ठीक है ना, फिर ये देखिए ये हो जाए डी है, ये हो जाए डी है, ये हो जाए डी है, सब जगह डी आ रहा है, यहाँ पे भी एक घटा 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 है, हर जगह एक भी घट रहा है, बदल क्या रहा है समझिएगा, हुआ बदल रहा है। देखिए ये जो एक में से एक को घटा है, ये जो दो में से एक को घटा है, ये तीन में से एक को घटाए, ये चार में से एक को घटाए, आगे घटाएंगे पांच में से एक को घटाएंगे, छ में से एक को घटाएंगे, आठ में से एक को घटाएंगे, ऐसे समझिए। तो अगर टी वन माने पहला पद निकाले टी वन तो वन में से वन को घटाए, टी टू निकाले तो दो में से एक को घटाए, टी थ्री निकाले तो तीन में से एक को घटाए, टी फोर निकाले तो चार में से एक को निकाले, पांच टी फाइव निकालेंगे तो पांच में से एक को घटाएंगे, टी छ निकालेंगे तो छ में से एक को घटाएंगे, टी दस निकालेंगे तो दस में से एक को घटाएंगे, और ऐसे ही हमको एनवा पद निकालना है ना, तो ये लिख रहे हैं कि डैश डैश कब तक घटाते रहेंगे, लिखेंगे कि एनवा पद, और जहां एनवा पद निकालेंगे तो इसको दिखा देंगे टी एन से, इसमें से घटाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और यही हमारा एनवा पद का क्या होता है फार्मूला निकल के आता है। हमने बोला कि पहला पद निकाले तो एक में से एक को घटाए, दूसरा पद निकाले तो दो में से एक को घटाए, तीसरा पद निकाले तो तीन में से एक को घटाए, चौथा पद निकाले तो चार में से एक को घटाए, ऐसे ही दसवां पद निकालेंगे तो दस में से एक घटाएंगे, पंद्रहवां पद निकालेंगे पंद्रह में से एक घटाएंगे, तो एनवा पद निकालना है आपको, तो एनवा पद निकालने के लिए एन में से क्या करेंगे एक को घटाएंगे, और एनवा पद को हम कैसे दिखाते हैं टी एन से, और टी एन इक्वल टू फार्मूला कितना निकल करता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा फार्मूला तो नोट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत, अच्छा लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें हम थोड़ा सा, अब फार्मूले के बारे में बात करते हैं, समझिए। अब जो एनवा पद का जो फार्मूला है टी एन इज इक्वल टू कितना आया ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, अब आप बताइएगा थोड़ा सा इसका नामकरण कर दीजिए, देखिए जो एनवा पद होता है ना इसी को हम लास्ट पद माने एनवा पद हम ये मान के चलते हैं कि अब उसके आगे कोई भी पद नहीं है, आज जहां पे जो चीज समाप्त हो जाए उसी को तो लास्ट बोलते हैं ना, तो लास्ट पद का मतलब समझ में आया कि जो एनवा पद होता है उसी को कैसे दिखाते हैं एल से भी दिखाते हैं। ठीक है ना, तो बोलिएगा एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एल बराबर अंतिम पद, ये बात आ रही समझ में, अंतिम पद अंग्रेजी में क्या बोलेंगे लास्ट टर्म, ए का मान क्या हो जाएगा ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद, ये तो सबको पता है क्या बोलते हैं प्रथम पद, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, यहां तो किसी को दिक्कत। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर ये तो मान लीजिए कि हम शुरू से ए नवा पद का फार्मूला लिखाना है, ठीक है ना, ये किससे है मैंने शुरू से जैसे a चले a प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ऐसे चलते गए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से अंत से पूछ दे, बोलते कि अब ओने से एने वाला पद निकालिए, तो इसी को बोलते हैं अंत से एनवा पद का, अगर आपको जानकारी चाहते हैं तो लिख लीजिए अंत से एनवा अगर पद निकालना हो, है तो प्रारंभ से एनवा पद का फार्मूला था, अंत से एनवा पद का जो फार्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी, आपको पता है एल को क्या बोलेंगे अंतिम पद, अंतिम पद, एन क्या होगा पदों की संख्या और डी क्या हो जाएगा सर्वांतर। ठीक है, तो फार्मूला में हमने सबसे पहले प्रूफ कराया, आप कोई भी दिक्कत है तो विदाउट मेडिटेशन आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कौनों तकलीफ हो फोन करिए, ठीक है, कॉल कर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया है आप वहां से कॉल कर सकते हैं, कौन दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर, समझिएगा। जैसे देखिए सीधा सीधा बोल देगा कि जैसे मान लीजिए कि जब पांच हो गया ये जो पंद्रह हो गया,
पच्चीस पैंतीस डैश 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 बोल देगा कि इसका प्रथम पद लिखिए। अब कितना लिखा, लिखिए प्रथम पद। तो बोलिए प्रथम पद को कैसे दिखाते हैं, ए से। अब प्रथम पद हमें देख के बता दीजिए कितना हो जाएगा, पांच। ये तो किसी को दिक्कत नहीं है, एकदम गोड़ा तोड़ के तो बैठे नहीं है, कुछ तो आता ही होगा आपको, ठीक है। चलिएगा सर्वांतर का मान बोलिए, बोल देगा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सर्वांतर। तो डी से दिखाएंगे ना। और सर्वांतर का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से किसको हटाते हैं, पहले पद को। तो पंद्रह माइनस कितना हो जाएगा, पाँच। अब पंद्रह में से पाँच घटा देंगे क्या होगा, दस। आप हमेशा याद रखिएगा सर्वांतर का मान निकालेंगे आगे में से पीछे को घटाते हैं, इना कि अवय में से अवय को घटा दीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा। पीछे में से किसको घटाते हैं, आगे घटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पे बोल दिया होता कि इसका पच्चीसवां पद निकालिए, कौन सा पद निकालिए, पच्चीसवां पद निकालिए। तो थोड़ा समझिएगा, ए का मान हमने निकाल दिया पांच, डी का मान कितना हो गया दस, और एन का मान कितना दे दिया, कौन सा पद बोला है, पच्चीसवां पद। तो कितना हो जाएगा, पच्चीस, ठीक। अब बोला है ध्यान समझिएगा, एनवा पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बोलिए कौन सा पद निकालना है, पच्चीस, तो यह क्या लिखेंगे, टी पच्चीस। बोलिए ए का मान कितना है, पांच, तो हो जाएगा पांच। प्लस एन का मान बोलिए पच्चीस, तो पच्चीस माइनस वन इंटू में डी का मान बोलिए दस, तो हो जाएगा दस। हो जाएगा पांच प्लस पच्चीस में से घटाएंगे चौबीस, और चौबीस में दस से गुणा करेंगे दो सौ चालीस, और दो सौ चालीस और पांच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो सौ पैंतालीस। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो तब ये वीडियो चूंकि लंबी हो चुकी है, थ्योरेटिकल था आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर हमने किया बहुत सारे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके और इतने क्वेश्चन को भी लिखिए, और ये वीडियो आपको डिसाइड करेगी कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है ना। इसका तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है, धन्यवाद।